चौरा से कमत बास्तोली मोटर मार्ग विभागीय उपेक्षा के चलते खस्ता हाल हो गया है। ग्रामीण विगत कई सालों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस मोटर मार्ग का कटान करने के उपरांत इसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया है, जिस कारण ग्रामीणों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जर्जर हो चुकी सड़क से स्कूली बच्चे भी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, ऐसे में दुर्घटना का खतरा बना हुआ है। कमत की ग्राम प्रधान कमला करम्याल तथा छातीगेत के प्रधान महेश कालाकोटी ने सड़क की दुर्दशा के लिए लोक निर्माण विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए सड़क की दशा में सुधार करने की मांग की है। मैं माननीय मोदी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारी कमत पड़ाई बांसुरी मोटर मार्ग है, आपको सभी विदित है कि आप सभी जानते हैं 2006 से लेके संघर्ष करते करते 2014 में 3 किलोमीटर रोड स्वीकृत हुई थी, और उसके बाद वो 3 किलोमीटर वहीं तक खुदी पुल भी बनी, सब कुछ बना, और उसमें सारी चीज़ें विभाग को दे रखी हैं। आप बार बार अनुसूचित की बातें आ रही हैं कि अनुसूचित नहीं दी, अनुसूचित तो हमने कितनी बार दे दी है, विभाग के पास अनुसूचित होनी चाहिए। आज उनका काम क्या है, अनुसूचित जो चीज़ें दी जाती है उसको संभाल के रखें वो लोग, तो उसी सर्वे के आधार पर ये इस कमत पड़ाई रोड को जो मेरे घर के सामने तक रुकी है उसको आगे बढ़ाने का कष्ट करें, क्योंकि लोगों में आक्रोशित है जनता, क्योंकि जहाँ पर ये विकास कार्य अवरुद्ध है, अगर जब रोड पूरी नहीं होगी तो इसको विकास कहाँ से माना जाएगा। रोड ही पूरी नहीं हो पाई, और ये मैं अपने जो यहाँ पर खड़िया के मालिक हैं उनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप भी हमारा साथ दें, और जैसे बीच का रास्ता निकले और हमारा रोड आगे बढ़े उसको उनसे मैं प्रार्थना करूँगा कि आप भी हमारा साथ दें, हमारा मार्गदर्शन करें इस रोड को आगे बढ़ाने में, क्योंकि अधूरी आधी अधूरी चीज़ें कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जब कार्य पूरा हो जाएगा ये लिंक यहाँ से चौकड़ी क्या कहते हैं बेरीनाग गंगोली हाट तमाम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट को जोड़ रहा है, इधर कांडा कमशार इधर डबोली घाटोला यहाँ जोड़ रहा है, कई गाँव इससे को फायदा इससे हो रहा है, लेकिन ये रोड यहीं पर रुक चुकी है। मैं माननीय मोदी से निवेदन करूँगा कि इसको आगे बढ़ाएं। मैं एक बार जब माननीय विधायक जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था, एक आशा की किरण जगी थी कि शायद हमारी रोड अब आने वाली है, अब आ ही जाएगी, लेकिन बीच में फिर स्टील पड़ चुका है और रोड को तो खुदी, लेकिन इससे हमको भी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हो चुका है कि उस समय रोड खुदी थी लेकिन अभी तक जो पाइप टूटे थे वो पाइप ठीक नहीं किए गए, रास्ते टूटे थे वो ठीक नहीं किए गए, क्योंकि जनता का मार्ग एक ही है, वो पानी पीने के लिए पहाड़ों पर निर्भर रहती है, पानी उनके पास है ही नहीं क्योंकि सारे नल टूट चुके हैं, ये गंदे नालों का पानी पीने के लिए मजबूर हो रही जनता। मैं मांग बार बार पीट बिल्डिंग में अवगत करा रहा हूँ कि इसे पाइप लाइन को ठीक कर दे, लेकिन कोई नहीं सुन रहा है इस विषय पर। मैं माननीय मोदी से निवेदन करूँगा कि तुरंत मैं इस समाचार पत्र के माध्यम से आपको अवगत करा रहा हूँ कि तुरंत इस लाइन को जो हमारे रोड में टूटे हैं ग्राम सभा छात्र कगड़ा ठांगा कमत पढ़ाई गुरखेत जितने भी गांव हैं ये पाइप लाइन टूटी है, इनके बार बार मेरे को फोन आते हैं, लेकिन बड़ी शर्म की बात है विभाग ने आते इसको ठीक नहीं किया। दूसरी चीज़ जितने रास्ते हैं वो भी ध्वस्त हो चुके हैं, रास्ते बचे ही नहीं हैं, जगह जगह स्लाइड आ गया है और नदी से पूरा रोड मलवा घरों में पानी घुस रहा है। मैंने एक बार ये बिडवे बना के भेजी थी जो बाढ़ का पानी रोड का पानी घरों में घुस रहा था और वो भी इस पर भी कोई अमल नहीं किया गया। मैं माननीय मोदी से पुनः निवेदन करना चाहूँगा कि इस पर गौर किया जाए कि आज मोदी जी का सपना है कि गांव-गांव रोड जाए घर घर रोड पहुँचे, लेकिन हम तो अभी भी इस आश में हैं कि जल्दी से जल्दी रोड खुल जाए। सीसीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।